हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे भाई चावल को अच्छे से चुनना, एक भी कंकड़ ना हो। कान्हा के मुख में कंकड़ नहीं जाना चाहिए। अरे भाभी, दिव्या जी अगर आपको कुछ और भी चाहिए होगा ना तो मुझे बता दीजिएगा। भाभी यदि कुछ और है तो वो भी ले आइए। अब तक कान्हा ने 56 भोग खाए हैं, लेकिन अब कान्हा को मैं 172 भोग चढ़ाऊंगा। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग जाइए जाइए, विश्राम करिए। आज ये रसोई घर मेरा है। जाइए जाइए। सुनो, इन्हें जो भी चाहिए इन्हें दे देना। हाँ दीदी। जामुन दीदी, देखा आपने, अब तो हमारे रसोई का अधिकार भी प्रभु ने अपने सखा के नाम कर दिया। जामवंती, इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। प्रभु अवश्य भक्त सुदामा के द्वारा संसार में भक्ति का कोई ज्ञान स्थापित करना चाहते हैं। भक्ति के ज्ञान का तो पता नहीं दीदी, परंतु इस समय हमसे हमारे भोग लगाने का अधिकार अवश्य छिन रहा है। शुभ कर्मों का करने अर्जन, स्वयं सुदामा बनाए भोजन। शुभ कर्मों का करने अर्जन, स्वयं सुदामा बनाए भोजन। भाग्य पे अपने ये इतराए, मन ही मन में ये हर्षाए। श्रद्धा प्रेम मिलीन हुए हैं, अपने आप को भूल गए हैं। भोग लगाते थे मूरत को, आज खिलाएंगे भगवान को। मावा, मिश्री और माखन, बिना माखन के मेरा काना फूक कैसे लगाएगा? मेरा काना घी भी खाता है, घी कहाँ है? डालो। दीदी, हाँ? हम लोग तो 56 अलग अलग सामग्री से प्रभु के लिए 56 भोग बनाते हैं ना, परंतु भक्त सुदामा ने तो सभी सामग्री एक साथ मिलाकर पंचमेल खिचड़ी बना दी है। लोगों के मन में भेदभाव जब मिटेगा तब मिटेगा, किंतु आज मैंने प्रभु के भोग से सारे भेदभाव मिटा दिए। मेरे सखा को ये भोग अवश्य पसंद आएगा।